बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं क्लास दहम जो है, मतलब 10th क्लास जो है, उसका साइंस और आर्ट्स का जो न्यू सिलेबस आया है, शॉर्ट सिलेबस, जिसमें से 2021 का एग्ज़ाम होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप लोग जो हैं वो कहीं ना जाइएगा, इस वीडियो को लाजमी देखेगा और एंड तक देखेगा। आपका पूरा सिलेबस जो है 10th क्लास का, इसमें मैंने कवर कर दिया है। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो सिलेबस दिया गया है वो है उर्दू का। इसमें सबक जो है, नज़में हैं और गज़लें जो हैं बहुत शार्ट कर दिए गए हैं। मज़ामीन जो 50 के करीब थे वो भी शार्ट कर दिए गए हैं, और तफहीमी अबारात वो भी बहुत शार्ट कर दिए गए हैं। मतलब सिलेबस जो है उर्दू लाजमी का, वो बहुत ज़्यादा शार्ट करके दे दिया गया है आप लोगों को। फिर आपके पास इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने आ गया है। इंग्लिश का सिलेबस जो है, इसमें भी चैप्टर जो है वो आपको शार्ट कर दिए गए हैं, काफ़ी चैप्टर्स, और होमवर्क क्लास वर्क भी इसमें मेंशन कर दिया गया है, जो कि टीचर की आसानी के लिए है। ऐसे और पैराग्राफ भी शार्ट कर दिए गए हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस है, तकरीबन ये सारा सिलेबस होगा, लेकिन इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको शार्ट कर दिया जाएगा। और शार्ट इस तरह होगा कि कुछ होमवर्क में और कुछ क्लास वर्क में ही आपको करवा दिए जाएंगे। तो ये मैथ का सिलेबस आ गया है। तो नेक्स्ट फिर पेज पर मैथ का सिलेबस है, चैप्टर नंबर 13 तक। इसमें जो थ्योरम है वो भी कम कर दिए गए हैं, और नीचे जो आपको जनरल मैथ जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनको सिलेबस नज़र आ रहा होगा, यूनिट 1 और 2 का। नेक्स्ट जो होगा वो नेक्स्ट पेज पर आएगा आर्ट्स वाले बच्चों की मैथ का। तो ये बाकी आर्ट्स के बच्चे जो हैं उनकी मैथ का ये सिलेबस है, वो आप लोगों के सामने आ चुका है। क्लास वर्क, होमवर्क, क्लास वर्क जो टीचर खुद क्लास में करवाएंगे, और होमवर्क जो आप लोगों को खुद से घर में करना पड़ेगा, और आपको जहरी बात है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास इस्लामियात लाजमी का सिलेबस सामने आ गया है। सेम फार्मूला, सिलेबस जो है वो शॉर्ट कर दिया गया है, कुछ काम क्लास वर्क में और कुछ होमवर्क में कवर करवाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मुताला पाकिस्तान है। मुताला पाकिस्तान के भी टॉपिक्स आपके सामने हैं, बस यही टॉपिक जो हैं वो आप लोगों ने कवर करने होंगे। इसमें मश्की सवालात जो हैं वो कुछ करने होंगे, और वो मेंशन भी किए हुए हैं कि कौन से होमवर्क में और कौन से क्लास वर्क में करने होंगे। नेक्स्ट फिज़िक्स का सिलेबस नीचे नज़र आ रहा है। फिज़िक्स का सिलेबस जो है वो चैप्टर नंबर 10 और 11 के टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्लास वर्क भी दिया हुआ है, और होमवर्क भी यहाँ पर आपको मेंशन कर दिया गया है। तो ये वही फिजिक्स का सिलेबस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है आपके सामने। इसमें मतलब चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे हैं, बस कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मिस कर दिए गए हैं। तो ये सोच छोड़ दें कि हमारा सिलेबस कम हुआ है, बस टॉपिक्स कुछ जो हैं वो कम हुए हैं। आपको जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके साथ जो प्रैक्टिकल है वो भी दे दिए गए हैं, ताकि आप लोग उनकी तैयारी कर सकें। फिजिक्स के बाद हमारा है केमिस्ट्री का सिलेबस यूनिट नंबर 9 से, और ये भी सारे ऑलमोस्ट पूरी बुक होगी, बस कुछ चैप्टर टॉपिक जो हैं इसमें भी वो कवर मिस कर दिए गए हैं और छुड़वा दिए गए हैं, बाकी पूरी बुक ही है केमिस्ट्री की भी। प्रैक्टिकल भी साथ साथ दिए हुए हैं, हर चैप्टर में जो प्रैक्टिकल जो करना होगा। तो ये केमिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है। केमिस्ट्री के बाद फिर हमारी बायो आ गई, सेम फार्मूला फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह बायो में भी क्लास वर्क, होमवर्क दिया हुआ है, प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, कौन से टॉपिक करवाने हैं वो टॉपिक भी मेंशन किए हुए हैं, बाकी बुक पूरी है, जस्ट कुछ टॉपिक जो हैं वो मिस कर दिए गए हैं।
ये बायो का आपके सामने सिलेबस चल रहा है, शॉर्ट सिलेबस जो न्यू बनाया गया है। चैप्टर नंबर 18 मतलब वही पूरे ही चैप्टर आपको दे दिए गए हैं। मेरे समझने में आपको लॉलीपॉप दिया गया है। तो बायो के बाद हमारी कंप्यूटर साइंस आ गई, तो कंप्यूटर साइंस का भी सेम फार्मूला, क्लास और होमवर्क के क्वेश्चन करवाएंगे और जो आप लोगों ने खुद करने होंगे या क्लास में टीचर करवाएंगे वो मेंशन है, टॉपिक मेंशन है कौन कौन से टॉपिक करने हैं। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल है एंड में दिया जाएगा, जो कि आपने प्रैक्टिकल तैयार करना होगा पेपर्स के लिए। ये लिस्ट है प्रैक्टिकल्स की, नाइन्थ और टेंथ के अलग अलग प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, ऊपर नाइन्थ के हैं नीचे टेंथ के हैं प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल अभी आप लोगों ने तैयार करने हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, 10th में 24 प्रैक्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट। कंप्यूटर के बाद आई थिंक फिर आर्ट्स के बच्चों के लिए जो जनरल साइंस है, तो जनरल साइंस का सिलेबस आप लोगों के सामने शो होगा। जी, जनरल साइंस के सिलेबस है, क्लास वर्क होमवर्क दिया हुआ है और इस क्वेश्चन भी मेंशन है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।